मुश्किलें किसके जिंदगी में नहीं आती। यहाँ पे हर व्यक्ति अगर आप उससे बात करें तो मुश्किलों से जूझ रहा है, उसके सामने परेशानियां हैं। लेकिन परेशानियों के सामने आपको बौना नहीं होना है, बल्कि परेशानियों के सामने पहाड़ भरकर खड़े हो जाना है। और कहते भी हैं कि तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो तैर के दरिया पार करो। बहुत नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट ओजांक, हीरोज ऑफ द सोसाइटी के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हीरोज ऑफ द सोसाइटी एक अभिनव शुरुआत है जो समाज के इन हीरोज को एक मंच प्रदान करती है, जिन्होंने अपने संघर्ष, अपनी उम्मीदों और अपने हौसलों से अपनी कामयाबी की दास्तान लिखी है। ऐसे बहुत से अनसंग हीरो हैं जो हमारे लिए एक जबरदस्त प्रेरणा बन सकते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा होते हैं और उन्होंने अपनी समस्त मुश्किलों, समस्त संघर्षों से पार पाकर अपने लिए एक नए मुकाम हासिल किए हैं। ये मुकाम न सिर्फ उनके अपने लिए होते हैं, वो समाज को भी एक रास्ता देते हैं, समाज को भी एक दिशा देते हैं। आज हमारे बीच में एक ऐसे ही हीरो हैं जो बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि से निकल कर आए। वो उस समय से निकल कर आए जब उनके पास संसाधन नहीं थे, वो उतनी ही मुश्किलों से निकल कर आए जितने हम और आप निकलते हैं, लेकिन उन्होंने अपने रास्ते को बनाए रखना, अपने धैर्य को कभी नहीं खोया और आज वो हमारे बीच में DSP के रूप में बैठे हुए हैं। मैं परिचय कराना चाहूंगा इमरान जी से, जो UPPCS में 28वीं रैंक और उत्तराखंड PCS में 6ठी रैंक हासिल करके उन्होंने सभी को गौरवान्वित किया है। और इसके पश्चात उन्होंने सुख सुविधा की सर्विसेज छोड़कर, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का होने के बावजूद जो है वो सिर्फ पैसे की सर्विसेज को छोड़कर एक ऐसा रास्ता चुना जहां वो समाज को एक रास्ता दे सकें, समाज में एक परिवर्तन के एजेंट के रूप में अपने आप को लेकर आ सकें। मैं परिचय कराना चाहूंगा आप सभी का इमरान जी से। स्वागत है इमरान जी आप सभी का इस मंच पे, हीरोज ऑफ द सोसाइटी, जहां हमारे युवा, हमारे वो सभी बच्चे जो प्रेरणा लेना चाहते हैं और उनके आंखों में भी उतने ही सपने हैं, वो सभी जो है वो आपको सुनना चाहते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम प्रश्नों से, जहां पर हम ये पता करना चाहते हैं कि आपकी मूलभूत पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका। थैंक यू जन सर। सर, कहानी की शुरुआत होती है लखनऊ से। लखनऊ में एक जगह है अमराई गाँव, वहीं पर मेरा जन्म हुआ और पिताजी हमारे एक टीचर हैं, शिक्षक हैं गणित के, अभी रिटायर हो गए लेकिन शिक्षा क्षेत्र से वो जुड़े हुए हैं। तो हम लोग सर एक बड़ा परिवार था, कई भाई थे और सबसे मैं छोटा था। और हमारे घर में बहुत पहले की बात है, जब मैं छोटा था तो एसेट के नाम पे सिर्फ एक साइकिल हुआ करती थी हमारे वालिद साहब की, पिताजी की। और तो कहते हैं ना कि कुछ लोग स्वभाव से पढ़ते हैं, मैंने अभाव से पढ़ाई शुरू करी। और चूंकि पता था कि पिताजी टीचर हैं और भाई सारे, एक वक्त था कि हम सारे भाई एक साथ पढ़ ही रहे थे, कोई जॉब में नहीं था, तो हमें ये पता था कि हमारे पास कोई जमीन नहीं है, कोई जायदाद नहीं है, कोई हमारा ऐसा सरमाया नहीं है जो हमारे बुजुर्ग हमारे लिए छोड़ के गए हैं, तो पढ़ाई के ही क्षेत्र में पढ़ के कुछ आगे निकल सकते हैं। तो चूंकि बड़े भाइयों ने अच्छी प्रेरणा दी थी, अच्छे मकाम हासिल किए थे, कोई डॉक्टर में था, कोई इंजीनियर में थे, कोई कॉमर्स की फील्ड में अच्छा कर रहे थे, तो मुझे भी लगा कि मैं भी अपनी एक राह बनाऊं। तो लखनऊ में प्रारंभिक शिक्षा रानी लक्ष्मीबाई स्कूल में हुई, उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई के स्कूल से ही रानी झांसी के शहर झांसी में पहुंच गए और वहां पे हमने इंजीनियरिंग करी। उसके बाद चूंकि भाई, बड़े भाई ने बीटेक किया हुआ था IIT रुड़की से, तो मेरा भी ख्वाब था कि IIT रुड़की में पढ़ने को मिले, तो MTech में मैंने वहां पे एडमिशन लिया और वहां वहीं से ही सफर सर शुरू हुआ तैयारी का और सिविल सर्विस का। IIT बैकग्राउंड है आपका और निश्चित रूप से IIT की जब हम बात करते हैं तो बहुत पैकेज, मल्टीनेशनल कंपनीज और ये सारी चीजें हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देती हैं और लगभग कैंपस प्लेसमेंट 100% होता है, तो निश्चित रूप से आपके भी सामने बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई होंगी जहां पर आप एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा जो है पैसा कमाने का तरीका या फॉरेन जाने का तरीका होगा। तो क्या ऐसी कोई घटना आपके सामने हुई जहां पर एक बढ़िया पैकेज या पैसा आपका इंतजार कर रहा हो? एक्चुअली सर, कॉलेज में क्या होता था, जब मैं बीटेक कर रहा था तो कंपनीज आती थी कैंपस प्लेसमेंट के लिए, तो मैं बैठता नहीं था कैंपस प्लेसमेंट, तो मेरे दोस्त कहते थे चूंकि इनके भाई अमेरिका में हैं तो शायद इनका पहले से ही फिक्स है, इसलिए बैठते नहीं होंगे। जबकि मुझे लगता था कि किसी कंपनी में मैं जॉब नहीं करना चाहता शुरुआत से ही, तो मैं किसी कंपनी प्लेसमेंट में बीटेक में बैठा ही नहीं। एक कंपनी में मैं बैठा भी बहुत ज्यादा फोर्स करने पे दोस्तों के, तो खैर उसमें मेरा हुआ ही नहीं प्लेसमेंट, वो बाहर की कोई कंपनी थी,
और उसमें नहीं पाया था, तो मुझे पता था कि मुझे हायर स्टडीज पहली प्राथमिकता थी, हायर स्टडीज करनी है, इसलिए मुझे अननेसेसरी एक जॉब को लेके करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉलेज में बड़ा कंपटीशन होता है भाई, एक की जॉब लेंगे तो दूसरे को कैसे मिलेगी, तो वहाँ नहीं बैठे। जब एमटेक किया उस दौरान मेरा मन बना कि सिविल सर्विस करा जाए, क्योंकि अगर किसी कंपनी के लिए मैं काम कर रहा होता एज ए सिविल इंजीनियर, एज ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर, तो मैं वही चीजें करता जो मुझे कंपनी करवाती। ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट पे, इस ब्रिज पे आपको काम करना है, इस मल्टी डायमेंशनल या कोई भी डैम वगैरह बनना उस पर आपको काम करना है, तो एक लिमिटेड सेट ऑफ पैटर्न होता है जिसपे मैं काम करता। लेकिन सिविल सेवा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे सारी खुला आसमान खुला हुआ है आपके लिए। बिल्कुल। और चूंकि भाई लोग पहले ही जॉब में थे, तो मुझे लगा था कि मैं जॉब पहुंच जाऊंगा तो कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं समझा जाएगा, तो मुझे कुछ डिफरेंट करना चाहिए जो मेरे भाई लोगों ने ना किया हो या मेरे आसपास के माशरे के लोगों ने ना किया हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो वो कौन सा समय, वो कौन सा दौर था जहाँ सिविल सेवा के लिए आपने बड़ी गंभीरता से सोचना शुरू किया, या अगर हम कहें कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है? सर ये 2012 की बात है, जब मैं एमटेक करके निकल रहा था, तो मेरे पास कई अपॉर्चुनिटीज थी, कि एक तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि मैं फ्रांस में जाके अपनी हायर स्टडीज पीएचडी कर सकता था, और दूसरी अपॉर्चुनिटी ये थी कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता था किसी यूनिवर्सिटी में, तीसरा ऑप्शन ये था कि मैं कंपनी में जॉब कर सकता था स्ट्रक्चरल, क्योंकि पूरे ऑल ओवर इंडिया 100 स्ट्रक्चरल इंजीनियर ही निकलते हैं, उनमें से मैं एक था। तो मुझे लगा नहीं, ये तीनों चीजें ही मेरे नेचर को सूट नहीं करेंगी, और मैं सिविल सेवा की तरफ जाऊं, और वहीं से मैंने तैयारी किया, और घर वालों का फुल सपोर्ट मुझे मिला, खासतौर से मेरे बड़े भाई साहब डॉक्टर इरफान अहमद, उन्होंने कहा कि नहीं आप तैयारी करिए और सिविल सेवा की तरफ बढ़िए, और बाकी भाइयों का सपोर्ट था, तो मैंने इसी लिए। तो किस वर्ष से आपने बहुत ही गंभीरता पूर्ण तैयारी शुरू कर दी? सर ये 2013 से मैंने 2013 से शुरू की। तो क्या पहले ही दौर में आपको सफलता मिल गई? पहले दौर में देखिए सर, अगर हम सिविल सेवा की सफलता को देखते हैं, तो उसके कई पड़ाव होते हैं, प्री होती है, फिर मेंस होती है, फिर इंटरव्यू होती है। तो पहले दौर में मुझे दो स्टेप तक तो मैं पहुंचा, पहली बार में ही मैंने सिविल सर्विस का प्री दिया, आईएएस का प्री दिया एग्जाम का, और मेंस प्री करने के बाद मेंस भी दिया, क्योंकि पहला नया पैटर्न था, और मैं भी लिखने की मुझे कला नहीं आती थी ना, कि किस तरह से आंसर लिखा जाता है, किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट किया जाता है, तो पहली बार तो नहीं सफलता मिली, लेकिन बाद के वर्षों में फिर मुझे सफलता मिली। तो जब पहली बार सफलता नहीं मिली, तो अगला एक्सपीरियंस क्या रहा नेक्स्ट ईयर? जी नेक्स्ट ईयर ये हुआ कि पहली बार दिया तो नहीं हुआ, फिर 2014 में फिर दिया, फिर नहीं हुआ, फिर मुझे लगा मेरा प्री तो निकल ही जाता है, मुझे मेंस के लिए काम करना, तो मैंने मेंस पे बहुत ज्यादा काम किया। देखिए जिंदगी में कभी आप ये मत सोचिए, कोई भी पढ़ाव कमजोर नहीं होता है, ठीक है, 1000 रुपए का प्रश्न जितना महत्वपूर्ण होता है केबीसी में, उतना आगे वाला ही प्रश्न, जब 1000 का जवाब देंगे तभी आप 10000 का जवाब देने को आपको एलिजिबल समझा जाएगा। तो 2015 में क्या हुआ कि सर मेरा प्री ही नहीं हुआ। अच्छा जी। अब ऐसा नहीं कि आप प्री निकाले तो हमेशा प्री निकलेगा, और पीसीएस का भी नहीं हुआ, यूपीएससी का भी नहीं हुआ, तो वो वर्ष मेरी जिंदगी का, मतलब जो प्रिपरेशन के ड्यूरेशन का बहुत ही एक लो फीलिंग वाला। मतलब जब आपने पहली बार में मेंस लिख लिया, आप मेंस करते चले जा रहे थे, लेकिन 2015 एक ऐसा वर्ष रहा जहां पर आप प्री भी क्वालिफाई नहीं कर पाए, और बिल्कुल सादा साल में कोई मेंस नहीं, कोई प्री नहीं, बिल्कुल ऐसा हो गया था। बिल्कुल आप जो है, तो मेरे ख्याल से अगर मैं जहां तक समझता हूं, किसी भी एस्पिरेंट के जीवन में ये सबसे डार्केस्ट आवर होते हैं, सबसे गहरे अंधेरे होते हैं, और यहीं पर ही एक्चुअली में जीतने वाले और हारने वाले के बीच का अंतर तय होता है। तो अगर मैं उस समय की बात करूं, अगर आपको वो सारी चीजें याद होंगी, और मेरे ख्याल से ये मेमोरीज आपके दिमाग से कभी निकली नहीं होंगी, वो कैसे आपने वो समय काटा, या आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट करके रखा, या क्या हमेशा डिप्रेशन फीलिंग आती थी, या कई लोग कहते हैं कि वो महामानव होते हैं और डिप्रेशन फीलिंग आती ही नहीं है, तो आपने कुछ वास्तविक अनुभव शेयर करें कि किसी भी स्टूडेंट अगर उसकी जीवन में ऐसा कुछ क्षण आता है तो वो कैसे खुद को आगे लेकर जा सकता है। देखिए सर, जितनी स्वाभाविक सफलता है उतनी स्वाभाविक असफलता भी। बिल्कुल। और किसी की जिंदगी में कोई लो टाइम आ रहा है, कोई कठिन दौर आ रहा है, डिप्रेशन का दौर आ रहा है, तो वो स्वाभाविक है आना, ठीक है, कोई कहे कि मैं महामानव हूं ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा गलत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस दौर से कैसे निकलते हैं। एक एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट है कि आप अपनी सफलता को तभी
समझ पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं जब आपने असफलता के कई दौर देखे हैं, ठीक है। अब जब मैंने देखा कि यार मुझे लगा कि मेरे साथ ही हो रहा है, शायद मैं यहीं से बाहर हो जाऊंगा इस रेस से, लेकिन मैं उस वक्त क्या होता है, सबसे ज्यादा आपको पॉजिटिव लोगों से मिलना होता है। उस समय जो मेरे दोस्त थे जो मुझे मोटिवेट कर सकते थे उनसे मैं मिला, ठीक है। मेरे सर जो थे मुस्तफा हुसैन साहब जो सोशियोलॉजी पढ़ाते थे उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। तो ये तमाम चीजें थी, जैसे मैंने रूम चेंज कर दिया, इस तरीके की चीजें की। कई 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 बार होता है कि आप कोई मोटिवेशनल कोट पढ़ते हैं या कई अखबार में कोई लेख पढ़ते हैं, लेकिन मैंने अपने सीनियरों से बात करी तो उन्होंने बताया कि हाँ उनके जीवन में भी इस तरीके का दौर आया, जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस तरह का किसी का मैंने वीडियो देखा, उन्होंने बताया कि हाँ मैं भी एक लो टाइम में गया था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि ये प्रक्रिया मेरे साथ भी हो रही है और ऐसा होता है लोगों के साथ जब वो किसी लंबे मिशन पे निकले होते हैं तो ऐसे पड़ाव आते हैं। तो ये पड़ाव है और आपको अगर कहीं किसी अगले स्तर पे जाना है तो आपको जंप लेने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है, शायद ये झुकने का वक्त है और यहाँ से जंप लगाऊंगा तो शायद अगले स्तर पे पहुंच जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत बहुत ही प्यारी आपने उम्दा बात कही है। एक चीज और होती है कि जब हम डार्केस्ट फेज में होते हैं और वहां अगर हमारे पास मोटिवेशन हो, इस समय को हम अपनी गलतियों को इवैल्यूएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो लोग भी विजेता रहे हैं उनका एक कॉमन सेगमेंट रहा है कि उन्होंने अपने आप को बाउंस बैक करने के लिए उस क्षण को इस्तेमाल किया। आपने इस समय को, जब आपके पास पूरे साल भर लिखने के लिए कोई मेंस नहीं था, कोई एग्जाम का प्रेशर नहीं था, उस समय आपने अपनी गलतियों को कैसे छाने के लिए प्रयोग किया? देखिए, इस सिविल सर्विस एग्जाम की सबसे बढ़िया ब्यूटी ये है कि आपको हमेशा अपनी गलतियां पता होती हैं कि किस गलती की वजह से मैं फेल कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप, जब भी ऐसा वक्त आए, सबसे चिंतन में बैठिए, चुपचाप अपने कमरे में टेबल पे लेटे हों, सोचिए कि क्या गलतियां हुई, कहाँ पे मैंने फेल कर गया, क्या चीज मैंने नहीं पढ़ी, क्या चीज छोड़ दिया, क्या कहीं मैंने वक्त बर्बाद किया। ये तमाम चीजें आपको एक बता देंगी कि आप किस राह पे जा रहे थे। मैंने अपनी एनालाइज किया कि मेरी आंसर राइटिंग नहीं हो पा रही थी, तो मेरा मेंस नहीं था। जबकि जब आपके सामने कोई मोटिवेशन होगा, श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा था कि, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा था कि मैं तीर कैसे चलाऊं जब मेरे सामने कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो उन्होंने कहा था कि आपको लक्ष्य चाहिए, इसलिए मेरे सामने भी कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैंने एक इमेजिनरी लक्ष्य बनाया कि यार अगर तुम्हारा मेंस होता तो आप मेंस ए आंसर लिख रहे होते। तो उस समय मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करी और टेस्ट दिए लगातार। मेरा मेंस नहीं भी था तो उसके बावजूद भी मैंने टेस्ट दिए, जो भी कमियां होती थी उनको देखा, जो जब मुझे टेस्ट कॉपी चेक होके मिलती थी मैं देखता था कहाँ पे क्या कमी है, क्या आंसर में लिखना चाहिए, फिगर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इस तरीके की चीजें मैंने उस दौरान। बहुत खूब, ये बहुत ही एक स्वागत योग्य, बहुत सीखने वाली बात है कि मेंस ना होने के बावजूद इन्होंने अपने मन में एक कृत्रिम वातावरण बनाया, एक कृत्रिम लक्ष्य बनाया कि मैं मेंस लिख रहा हूं और चलो उस जो गंभीरता है उसके साथ हम लोग तैयारी शुरू करते हैं। उन्होंने लगातार मेंस की प्रैक्टिस की। क्या इस दौरान आपने उत्तर लेखन जो कला है उस पे आपने कुछ विशेष कार्य किया, कुछ लक्ष्य बनाकर कार्य किए? जी सर, जैसे मैं, आप जब आंसर लिखेंगे अपना, कोई भी आंसर क्वेश्चन होगा उसका आंसर लिखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें पूछा क्या जा रहा है, लेकिन मैं उस स्तर पर नहीं पहुंच पा रहा हूँ। कई बार आप कोई मॉडल आंसर देखते हैं, फिर क्या करते हैं, कोई अच्छा सा लेख पढ़ते हैं, उसको समराइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार लिखने की कोशिश करते हैं, कई नए क्वेश्चन एकदम करंट का इशू चल रहा होता है उस पर कई बार आपको लेख मिल रहे होते हैं लगातार, जैसे चंद्रयान है, आपको आप सारे स्टूडेंट ने कम से कम 10 से 12 लेख पढ़ लिए होंगे रोज अखबार में, तो आप उसको एक दिन समराइज करिए, 100 वर्ड में लिखे, 200 वर्ड में लिखे। तो इस तरह मैं अपनी, जैसे टीचर अक्सर बोलते थे कि अपने लेखन में कसावट लाइए, कसावट का मतलब होता है कि गागर में सागर भरना, कम बातों में ज्यादा कह देना, और एक ये प्रशासक की भी खूबी होनी चाहिए कि कम शब्दों में या कम लेख में वो ज्यादा से ज्यादा बातें कह ले, तो ये कोशिश करी मैंने उस दौरान। तो इस दौरान आपको इसमें सफलता मिली? जी जी, यस, आपने काफी अच्छा काम किया। तो अंधेरे धीरे धीरे छटने शुरू हो गए होंगे, कॉन्फिडेंस आना शुरू हो गया होगा, और जैसा सर ने बताया कि हमेशा खुद को मोटिवेट रहते थे, ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहते थे जो निगेटिव बातें करते हो, जो क्वेश्चन मार्क लगाते हो कि अब तुमसे नहीं हो पाएगा, इससे अच्छा तुम नौकरी कर लेते, और खुद को पॉजिटिव बना के रखा। साथ ही साथ उन्होंने अपनी उस क्षेत्र पे काम शुरू किया जहां पर इनको लगता था कि वो उनकी सबसे जरूरी स्किल थी और वो है आंसर राइटिंग। तो यहां से आपका सफर आगे बढ़ता रहा, कब आपको लगा कि आपकी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट आ गया है या आपकी लाइफ का सूरज उग गया है जिसके लिए आप इतनी देर से प्रतीक्षा कर रहे थे? सर, वर्ष 2016 के जब उत्तराखंड का मेंस आया तो 2 महीने थे मेरे पास, और मैंने कहा कि ये मैंने अपने एक दोस्त से बोला था कि ये लिटमस टेस्ट है मेरे लिए, कि ये मेरा मेंस है और मुझे टाइम भी मिला है, कोई और बाध्यता मेरे सामने नहीं है, अगर मैं इसको कर जाऊंगा तो इसका मतलब है कि
मैं आई एम द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस, ठीक है। और ये सोच के मैंने उसकी प्रिपरेशन की और मेंस दिया और निश्चित होकर बैठ गए कि आप जो अगला मेंस आना है उसको देना है और इंटरव्यू का इंतजार करना है। फिर 2016 का पीसीएस का मेंस आया उसको भी दिया, और फिर 2017 में यूपीएससी का मेंस आया उसको भी दिया। फिर लगातार इंटरव्यू दिए तीनों के, और तीनों में मुझे दो में सफलता मिली, यूपीएससी में सफलता नहीं मिल पाई, लेकिन बाकी उत्तराखंड और यूपी पीसीएस में मुझे फाइनल। और बहुत अच्छी है, मतलब रैंक आपकी बहुत अच्छी है और बधाई के पात्र हैं, और आपने डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट कर दी। ये मेरा जो है वो एक आखिरी मौका, मुझे इसमें करके दिखाना है, और इसके आपने नो डाउट बहुत लंबी तैयारी की, और अंत में जब वही कहते हैं कि दुनिया प्रयास नहीं परिणाम देखती है, और आपका जो परिणाम है वो आज आपके पक्ष में है, और आज आप हीरोज ऑफ द सोसाइटी के एक जो है वो खास मेहमान है, और निश्चित रूप से जो आपकी सफलता है वो बहुत ही स्वर्णिम है, बहुत ही खूबसूरत है और यादगार है। आपने पुलिस सेवा का चयन किया, इसके पीछे पर्पस क्या है कि आपने जो है एक आरामदायक सेवा छोड़कर आप फील्ड में गए, जबकि आपकी रैंक अच्छी थी, आपको अच्छा जो है सर्विसेज मिल सकती थी, तो कुछ इसके पीछे विशेष कारण या कोई एक ऐसी सोच जो हमारे युवाओं को प्रेरित कर सकती है? सर मैं बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा फनी है कि जब भी मैं तैयारी करता था और कभी पुलिस वाले के बगल से गुजरता था तो मेरे मन में पता नहीं क्यों फील आता था कि किसी ने ये मुझे सैल्यूट करेगा। अरे वाह। तो ये पता नहीं मुझे, जबकि मैं हर कोई से सिविल सर्विस तैयारी करने आता, या तो वो आईएएस बनना चाहते हैं या एसडीएम बनना चाहते हैं, तो मेरे दिमाग में कभी कभी ऐसा लगता था। यही वजह है कि शायद ऊपर वाले का भी कर्म है कि दो राज्यों में वर्दी ही मुझे मिली। तो ये चीज थी कि पुलिस सेवा एक प्राथमिकता थी मेरी, और इसी वजह से मुझे, मैं उसको हमेशा अपनी चॉइस में ऊपर रखता था, और मेरी रैंक जिस तरह से आई मुझे डीएसपी ही मिला दोनों राज्यों में। और इसमें पुलिस सेवा में क्या करना चाहता हूँ ये है कि पुलिस सेवा में आप बहुत सारे रिफॉर्म्स कर सकते हैं, और मैंने देखा भी है पुलिस को बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलाते हुए, स्माइल पिंकी इस तरह का एक प्रोग्राम गाजियाबाद में एसएसपी साहब ने चलाया था, जिसमें खोए हुए बच्चों को उन्होंने एक मंच पिलाकर और उनकी पढ़ाई का इंतजाम किया हुआ था। तो आप पुलिस सेवा में भी रह के बहुत सारे बदलाव कर सकते हैं, और पुलिस सेवा में जब कोई किसी गरीब को, किसी सताए हुए को जस्टिस मिलता है, उसके बाद की जो फीलिंग होती है वो तो जब मैं फील्ड पे जाऊंगा एक्चुअल फील उसको कर पाऊंगा, लेकिन जो मैंने अपने अनुभव में ट्रेनिंग के दौरान और अपनी फील्ड ट्रेनिंग में जो देखा उसमें यही है कि आप जब किसी को जस्टिस करते हैं, किसी के साथ कोई अपराधी पकड़ा जाता है, कोई पीड़ित पक्ष उससे सेटिस्फाइड होता है, तो आपको भी एक अंदर से सेटिस्फैक्शन न्याय को स्थापित करना बहुत बड़ी एक प्राथमिकता होनी चाहिए। आपका सफर बड़ी विविधतापूर्ण रहा है, जैसा आपने बताया कि गांव से एक पिताजी के पास एक साइकिल और सात भाइयों का परिवार, उसमें संसाधन नहीं, और आपने एक बड़ी खूबसूरत लाइन बोली कि मैंने शौक से नहीं अभाव के कारण जो है वो पढ़ाई को चुना, कि मुझे अगर नहीं करूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे हमारे बहुत से युवा हैं, आपका ये सफर बड़ी विविधतापूर्ण रहा, और ऐसा भी नहीं कि आपको गोल्डन स्पून मिल गया हो कि आप निकले हो कॉलेज से और पहली बार में आप जो है शाइनिंग स्टार की तरह चमक गए, आपको भी वही असफलता देखने को मिली जो हमारे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी सामान्य स्टूडेंट को देखने को मिल सकती है, और ये हमारे जीवन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। बट यहीं पर हमारा जो मेटल होता है वो चेक होता है, हमारा लोहा चेक होता है कि हम क्विट कर जाएंगे या यहां से हम अपने आप को निखार के लेकर चले आएंगे। तो आपने निखारने का रास्ता तय किया और आपने उसके लिए बड़ी जबरदस्त तैयारी की। अगर हम इस मंच पर बात करें, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करें, तो हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने सपनों को पूरा कर सकें, वो अपनी चीजों को देख सकें। सामान्य पृष्ठभूमि से आया हुआ व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं, पैसे नहीं है, दुनिया के ज्यादातर लोग उससे ये कह रहे हैं कि तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, और तमाम विरोधों का सामना करते हुए वो बेचारा अकेले इस तूफान में बढ़ा चला जा रहा है अपने सपनों के साथ, तो आप कुल मिलाकर उसको क्या संदेश देना चाहेंगे अपने जीवन के अनुभवों से? सर मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि देखिए, अगर आपने एक पाउलो कोहेलो की एक बुक है द एल्केमिस्ट, तो उसमें ये है कि आप जब किसी चीज को शिद्दत के साथ चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे आपको मिलाने में लग जाती है, ठीक है। तो आप अपने गोल को हमेशा एकदम प्रायोरिटी पे रखिए कि मुझे ये करना है एनी हाउ, ठीक है। जब आप इस तरीके की सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो आप जरूर अपने लक्ष्य को मिल पाएंगे। आपके मार्ग में बहुत सारी परेशानियां आएंगी, बहुत सारे लोग डिमोटिवेट करने वाले मिलेंगे, कई बार एकदम लगेगा आप तो चीजें खत्म ही हो गई हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए कभी भी चीजें खत्म नहीं होती है। और मैंने देखा है कि आप जिस चीज को खत्म कहते हैं
जिंदगी हमेशा आपको दूसरा मौका देती है। एक अटेम्प्ट खत्म होता है तो दूसरा अटेम्प्ट होता है, दूसरा आईएएस के अटेम्प्ट खत्म होते हैं तो पीसीएस होता है, ठीक है। तो इस तरीके से कभी भी ये मत सोचिए, जो भी अगर कुछ लोग डिमोटिवेट करने वाले लोग हैं, हो दोस्त हो रिश्तेदार हो, तो उनसे भाई उनसे वास्ता मत रखिए। आप उन्हीं लोगों से, उन्हीं टीचरों से मिलिए जो आपको मोटिवेट करते हो, उन्हीं मित्रों से मिलिए, उन्हीं वैसे ही किताबें पढ़िए, वैसे ही लोगों से मिलिए और खुश रहिए, और खुशी के साथ जिस राह पे निकले हैं उस राह पे आगे बढ़ते रहिए, इंशाल्लाह आपको सफलता जरूर मिलेगी। अंत में यही एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि एक सामान्य स्टूडेंट जब आता है अपनी तैयारी के लिए तो उसके पास बहुत सी पहले से प्री ऑक्यूपेशन जो है पहले से भरी हुई नॉलेज होती है, ढेर सारी किताबें पढ़नी है, 16-16 घंटे पढ़ना और ढेर सारे हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट भर दिए जाते हैं। ऐसे में एक आम इंसान की तरह, एक आम कहानी की तरह, आप उसको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो इतने आडंबरों के साथ, वो तो दौड़ नहीं सकता, उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ लाद दिया गया है, तो क्या एक रणनीति होनी चाहिए जिससे वो अपने सपनों तक, वो मंजिल तक पहुंच सके? जी, एक छोटा सा फनी इंसिडेंट बताऊंगा कि एक बार मैं फेसबुक पे देख रहा था तो एक स्टूडेंट लिखा था कि सर मैं लगातार प्रतिदिन 12 घंटे पढ़ लेता हूँ तो मेरा डीएसपी में कितने दिनों में हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी कोई भी एग्जाम घंटों में नहीं निकलता है, एक प्रयास में निकलता है, ये प्रक्रिया है, ये कोई पैकेज नहीं है कि इतने दिनों में पढ़ने से आपका निकल जाएगा। तो और बाकी जो नए दोस्त आ रहे हैं, जो जिनके पास संसाधन नहीं है, अभाव में है, तो वो ये सोचें कि देखिए बहुत सारे लोग अभाव में निकालते हैं, ठीक, आप क्या समझिए कि एक आपकी जो लिमिटेड जो आपका सिलेबस हो उसको बड़े अच्छे से देखें, उससे संबंधित जो भी पुस्तकें हों, खुद ओजांग सर कई वीडियोस में कौन सी किताबें पढ़नी, इस तरीके की चीज़ें आपको बताते रहते हैं, उनमें देखें कि आपको कौन सी किताबें मिल रही हैं। अगर आपके शहर में कोचिंग अवेलेबल है तो वहाँ जाके कर लें, अगर वहाँ नहीं जा सकते तो यूट्यूब से वीडियो से वो चीज़ करें, और अपने सिलेबस को पेंसिल से या पेन से अपना मार्क करिए कि क्या चीज़ें मैंने पढ़ ली हैं। किसी का किसी भी सफर में जाना होता है तो पूरा आपके पास मैप होता है ना, जीपीएस होता है, किस डायरेक्शन में जाना है। परीक्षा भी बिल्कुल वैसी ही है, जब आपका सिलेबस ही आपका जीपीएस है, उसी से गाइड करते हुए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, कौन सा मटेरियल है, कौन सी चीजें हैं। किसी भी पुस्तक 10 पुस्तकों से बेहतर है कि एक पुस्तक को 10 बार पढ़ा जाए, और आपको मैं बता दूं यूपीएससी एग्जाम में किसी भी पुस्तक को 10 बार नहीं पढ़ना पड़ता है, 3 बार पढ़ ली, 4 बार पढ़ ली, उसी में हो जाता है। तो मटेरियल आपका बिल्कुल वो होना चाहिए, प्रिसाइज होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। कैसे पता लगेगा, मैंने तरीका बताया कि जो विशेषज्ञ लोग हों उन्होंने जो राय दी हो उसके अकॉर्डिंग वो आप किताबें ले लें, और एक सही रणनीति के साथ, सही दिशा के साथ, टाइम के साथ बनाते हुए उसको करते जाइए, प्रीवियस ईयर के पेपर देखते जाइए, उससे मिलाते जाइए, कहाँ कमियाँ रह रही हैं, आंसर लिखने में कहाँ कमियाँ आ रही हैं, इस तरीके से बढ़ते जाइए, और अच्छे लोगों से, अच्छे सीनियर से, जो लोग सेलेक्ट हो गए उनसे मिलते रहिए, इस तरह की वीडियो जैसे ये आप देख रहे हैं इस तरह की वीडियोज देखते रहिए, और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बहुत खूब, बहुत ही प्यारी स्टोरी नरेट की है सबने, और मैं बस आपको भावी जीवन के लिए, सेवा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा हमारे सभी ऑडियंस की तरफ से। और आप सभी दोस्त एक बात याद रखिए कि जहां चाह वहां राह, एक बार आपने इरादे कर लिए, आपने एक बार सपने देख लिए, तो दुनिया में किसी को अलाउ मत करना कि वो तुम्हारे सपने चुरा ले या तुम्हें तुम्हारे सपने बेचने के लिए मजबूर करे। सपने हमारे होते हैं, कीमत हमारी होती है, क्योंकि जिंदगी हमारी है, मकसद हमारे हैं, मंजिल हमारी है, सक्सेस हमारी है, तो तकलीफ भी हमारी होगी। तो जब भी आप कोई बड़ा सपना देखें, कोई भी आप बड़ी मंजिल का रास्ता तय करने की सोचें, तो कीमत का अंदाजा जरूर लगा लें कि वो कीमत आपका अनुशासन, आपकी तकलीफें, ये सब होंगी। लेकिन याद रखिएगा, इस मंजिल को प्राप्त करने के बाद जो दुनिया होती है वो एक अलग होती है। जैसा कि सर ने कहा, आप आने वाले समय में बदलाव के एजेंट होंगे। आज से कुछ समय पहले ये इस जो वीडियो के दूसरी तरफ वो बैठ के दोस्तों को सुना करते थे, और आज वही सफलता इनको वीडियो के इस तरफ लेकर आई है जहां लोग इन्हें सुन रहे हैं, जहां लोग इनको जानना चाहते हैं, आज इनके इतने फॉलोअर्स हैं। तो निश्चित रूप से ये हीरो हम सभी के अंदर होता है, आप में, मुझ में, या समाज के किसी भी व्यक्ति में, बस उसे पहचानने, उसे निकालने, उसको एक्सप्लोर करने और उसमें विश्वास करने की आवश्यकता होती है। इस विश्वास की ताकत के बड़े आयाम होते हैं। खुद में विश्वास करिए कि ऊपर वाले ने आपको बहुत खास बनाया है, ऊपर वाले ने आपको बड़ी ताकत दी है, और निश्चित रूप से जो हीरोज ऑफ द सोसाइटी का अगला एपिसोड हो या आने वाले जो एपिसोड हो, उसमें आप मेरे साथ बैठे होंगे और मैं आपके उस
हीरो के गुण को मैं पूरी दुनिया को बता रहा हूंगा और ये मौका आप मुझे जरूर देंगे। इसी वादे के साथ, इसी इरादे के साथ आप अपनी पढ़ाई में जुट जाएं, अपनी मुश्किलों से टकरा जाएं कि आपकी मुश्किलें आपके सामने हार मान लें। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इमरान सर आपका इस समय देने के लिए, यहाँ पर आने के लिए और हमारे ऑडियंस को इतना अच्छा संदेश देने के लिए, और देश को भी एक बेहतरीन ऑफिसर मिलने जा रहा है। हम सभी इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ सर को विदा करते हैं और मिलते हैं अगले एपिसोड में हीरोज ऑफ द सोसाइटी के। तब तक के लिए अपने इस होस्ट ओजान को विदा दें। नमस्कार।